हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग टू एवरीवन, हैव ए नाइस डे। टेंशन मेंबर है आज का टॉपिक, ये आईएस कोड के क्लाज 6.1 में दिया हुआ है। आईएस 800 कोड का नाम भी लिख सकते हैं, आईएस 800 2007। और ये लिमिट स्टेट मेथड पर डिपेंड है, तो इस मेथड में जो लिमिट स्टेट मेथड है उस पर के आधार पर जो टेंशन मेंबर के डिजाइन के लिए, टेंशन मेंबर के क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए जिन फार्मूलों का प्रयोग किया जाता है उनके बारे में जानकारी दी जाएगी। तो देखिए, स्ट्रेंथ ऑफ टेंशन मेंबर ये कैसे निकाली जाती है, इसको डिजाइन स्ट्रेंथ भी कहते हैं, डिजाइन स्ट्रेंथ ऑफ टेंशन मेंबर। तो डिजाइन स्ट्रेंथ इज टेकन लिस्ट ऑफ द फॉलोइंग, यानी जो डिजाइन स्ट्रेंथ होती है वो निम्न तीन में से जो सबसे कम हो उसके बराबर ली जाती है। तो किसी भी टेंशन मेंबर की स्ट्रेंथ निकालने के लिए हमको इन तीन तरह की स्ट्रेंथ की गणना करनी पड़ेगी। पहली हमारी होती है डिजाइन स्ट्रेंथ ड्यू टू यील्डिंग ऑफ ग्रॉस सेक्शन, जिसको कि TDG से रिप्रेजेंट करते हैं। डिजाइन स्ट्रेंथ ड्यू टू यील्डिंग ऑफ ग्रॉस सेक्शन, इसका अर्थ समझ लें, जैसे टेंशन मेंबर का कोई भी सेक्शन है उसके उस पोर्शन में जहां पर कोई भी ज्वाइंट नहीं बना है, एज ए होल पूरे सेक्शन में अगर कहीं पर यील्डिंग होती है तो कितने बल पर यील्डिंग प्रारंभ हो जाती है, वही बल जो है उस टेंशन मेंबर की यील्डिंग में सामर्थ्य कहलाती है। दूसरा होता है रप्चर स्ट्रेंथ एट क्रिटिकल सेक्शन, जब किसी भी टेंशन मेंबर में उसके सिरे पर जो जोड़ लगाए जाते हैं, तो जोड़ लगाने में हम रिवेट का प्रयोग करते हैं या बोल्ट का प्रयोग करते हैं अथवा बेल्ट का प्रयोग करते हैं। इनका प्रयोग करने से उसके क्रॉस सेक्शन में कुछ कमी आती है, जब क्रॉस सेक्शन में जो कमी आती है वहीं से जो लिस्ट एरिया का जो क्रॉस सेक्शन है उसी को क्रिटिकल सेक्शन बोलते हैं। तो क्रिटिकल सेक्शन पर जो हमारा टेंशन मेंबर है उसके टियर होने की संभावना रहती है, तो उसी स्ट्रेंथ को हम रप्चर स्ट्रेंथ एट क्रिटिकल सेक्शन बोलते हैं, इसे कि TDN से रिप्रेजेंट किया जाता है। तीसरे प्रकार की सामर्थ्य होती है डिजाइन ब्लॉक शियर स्ट्रेंथ, ये डिजाइन ब्लॉक शियर स्ट्रेंथ एक सामूहिक रूप से टेंशन मेंबर का एक बड़ा सा टुकड़ा टूट करके अलग हो जाता है, जिसमें सारे रिवेट एक साथ उसी के साथ चले जाते हैं और मेंबर जो टेंशन मेंबर का बाकी बचा हिस्सा जो है खींच के बाहर आ जाता है। तो ऐसी प्रक्रिया में जो शियर होता है या जो इसमें फेल्योर होता है उसको डिजाइन ब्लॉक शियर स्ट्रेंथ बोलते हैं, इसको TDB से रिप्रेजेंट किया जाता है। तो ये तीन तरह की सामर्थ्य है, इनकी गणना करनी है, इन्हीं को हमें यहां पर डिटेल में इनका कंसेप्ट समझना है कि किस तरह से ये सामर्थ्य की गणना की जाती है। तो पहला देखिए, डिजाइन स्ट्रेंथ ड्यू टू यील्डिंग ऑफ ग्रॉस सेक्शन, यानी ग्रॉस सेक्शन जो टेंशन मेंबर का हमारा टोटल ग्रॉस सेक्शन है, तो ग्रॉस सेक्शन को हम AG से रिप्रेजेंट करते हैं। तो टेंशन मेंबर का ग्रॉस सेक्शन ये रख लिया और इसमें यील्ड स्ट्रेस FY का गुणा कर दिया, यानी एरिया गुणे प्रतिबल, ये हमारा फोर्स हो गया, और ये पार्शियल सेफ्टी फैक्टर γMO इसमें लिया जाता है फार्मूले में, और γMO की वैल्यू 1.1 होती है कोड के अनुसार। इसकी वैल्यू जो है सामान्यता FY अगर दिया न गया हो, और जनरली ज्यादातर जो दिया जाता है वो FY बराबर 250 लिया जाता है, इसके ही कितने रोल्ड स्टील के जो सेक्शन है उन सब की स्ट्रेंथ 250 की ही होती है FY की वैल्यू। तो ये AG इंटू FY बटे γMO इस फार्मूले के द्वारा TDG की वैल्यू निकाल दी जाती है, इसी को हम डिजाइन स्ट्रेंथ ड्यू टू यील्डिंग ऑफ ग्रॉस सेक्शन कहते हैं। तो ये पहले तरह की सामर्थ्य निकालने का ये फार्मूला है। दूसरे तरह की सामर्थ्य जो रप्चर स्ट्रेंथ एट क्रिटिकल सेक्शन है, इसको समझे, रप्चर स्ट्रेंथ एट क्रिटिकल सेक्शन, इसको TDN से रिप्रेजेंट करते हैं। अब इसका जो फार्मूला है, इसके तीन फार्मूले अलग अलग केस में अलग अलग फार्मूले हैं। प्लेट्स के लिए अलग फार्मूला है, और थ्रेडेड रॉड अथवा बोल्ट अगर है
चूड़ी वाला, तो उसके लिए अलग फार्मूला है, और टेंशन मेंबर के रूप में सिंगल एंगल प्रयोग किया गया है तो उसके लिए अलग फार्मूला है। तो इस तरीके से ये हमारे तीन अलग अलग केस हैं। अब प्रत्येक केस को वन बाई वन देखते हैं। प्लेट के लिए हम देखते हैं ये फार्मूला क्या है। TDN बराबर 0.9 इंटू AN इंटू FU बटे गामा ML। तो ये तो कोर्ट का फार्मूला है, इसमें किस पद का क्या मतलब है वो समझ लें। 0.9 ये तो कोफिशेंट है, AN नेट क्रॉस सेक्शन एरिया, जो क्रिटिकल सेक्शन का नेट सेक्शन एरिया है वो AN है, और FU अल्टीमेट स्ट्रेस है, और ये गामा ML उसका पार्शियल सेफ्टी फैक्टर है। तो ये हमारी जो वैल्यूज हैं इसी के आधार पर हम प्लेट की, अब इसमें इस फार्मूले में AN कैसे ज्ञात किया कैसे जाता है। AN को ज्ञात करने का जो तरीका है वो फार्मूला ये इस तरह से है। कोड में दिया हुआ फार्मूला ये है B-NDO प्लस सिग्मा PSI का होल स्क्वायर बटे 4G I, PSI का होल स्क्वायर बटे 4G I। ये कोड में फार्मूला दिया है, ब्रैकेट बंद करके गुणा T से करने पर जो एरिया निकल के आता है वो AN कहलाता है। अब जरा इस फार्मूले का, ये तो कोड में दिया हुआ फार्मूला है, इसको कैसे अप्लाई किया जाता है और इसका गणना कैसे करेंगे, इसके लिए हम आपको एक फिगर दिखाते हैं। अगर हमारा जॉइंट इस तरह का हो, एक प्लेट है, ये प्लेट का ही केस था, प्लेट को हमने लेफ्ट जॉइंट से जोड़ा हुआ है, ये प्लेट इधर से यहाँ तक आ रही है और ये नीचे वाली प्लेट यहाँ से यहाँ तक जा रही है। इसके ऊपर रिबिट हमारे देखिए, ऊपर वाली पंक्ति में 3 रिबिट लगे हैं, उससे नीचे वाली पंक्ति में केवल 2 रिबिट लगे हैं, और ये रिबिट स्टैगर्ड स्थिति में लगे हैं। स्टैगर्ड यानी ये यहाँ लगा है तो नीचे वाला रिबिट इन दोनों के बीच में यहाँ लगा होगा, इसके नीचे यहाँ पर रिबिट नहीं लगाया गया, इसके नीचे यहाँ रिबिट नहीं लगाया गया, यानी ये इन दोनों के रिबिट के बीच की स्थिति में एक एक रिबिट या बोल्ट लगा दिया जाता है। तीसरी पंक्ति में फिर 3 रिबिट लगा दिए गए जैसे ऊपर हैं, और चौथी पंक्ति में फिर 2 रिबिट लगा दिए गए, 2 बोल्ट लगा दिए गए यहाँ से यहाँ ये इसकी सीध में, और पांचवी पंक्ति में फिर 3 लगा दिए गए। तो इस तरह से ये जिगजैग सिस्टम में या इसको स्टैगर्ड सिस्टम में जो है ये स्टैगर्ड रिबिटिंग कहलाती है, जिगजैग सिस्टम कहलाता है। जब ये रिबिटिंग दी गई हो तब खासतौर से इस फार्मूले की आवश्यकता पड़ती है, इस फार्मूले की। और अगर हमारी सिंपल केस हो, अगर ये चेन रिबिटिंग हो, तब इस फार्मूले की जरूरत नहीं पड़ती, यानी ये पद हट जाता है, बाकी B-NDO और T रह जाता है केवल, यानी इस पद को हटा दिया जाता है, ये केवल इतना और T ही रह जाएगा अगर हमारी चेन रिबिटिंग में ये रिबिट लगे हों, केवल सीधी रेखा पर ही खंड टूट रहा हो। अब यहाँ पर जो हमारा ये सेक्शन खींच करके जब टीयरिंग में फेल होगा, जो टीयरिंग या रप्चर में जो फेल होगा, तो ये कहाँ कहाँ से फेल हो सकता है इसकी संभावना पर विचार करते हैं। एक तो ये सेक्शन हम यहाँ पर इन बिंदुओं को हमने डिसाइड कर दिया, इनके नाम रख दिए, इस बिंदु को हमने 1 दे दिया, जहाँ ये बोल्ट लगा है उसको 2 लिख दिया, इस बोल्ट के को हमने 3 लिख दिया, इसको 4 लिख दिया, इसको 5 लिख दिया, इसको 6 लिख दिया, इसको 7 लिख दिया, इन्हें नंबरिंग कर दी हमने। अब इसके बाद ये हमारी प्लेट कहाँ से टूट सकती है वो पॉसिबल सेक्शन यहाँ पर लिखे हुए हैं। अब ये पॉसिबल सेक्शन जरा देखिए कैसे आप तय करेंगे। जो पॉसिबल सेक्शन है हमारा सेक्शन 1, 2, 4, 6, 7, 1, 2, 4, 6 और 7, यानी सीधा सीधा यहाँ से टूट जाता है। ये हमारी प्लेट कहाँ से टूटती है, सीधे सीधी टूट जाती है। तो ये हमारा पहला संभावित खंड है। अगर जब ये संभावित खंड है तो देखिए इस संभावित खंड में इस रेखा पर नंबर ऑफ रिबिट बीच में कितने आ रहे हैं, 3 रिबिट आ रहे हैं, तो N इज इक्वल टू 3 होगा इस फार्मूले में, यानी यहां पर जो N होता है ये इसकी वैल्यू 3 आएगी। और N1 चूंकि ये सीधा सीधा टूट रहा है इसलिए ये पद इसमें नहीं होता, जब खंड हमारा सीधा टूटता है तो इसमें इसका मतलब N1 का मान 0 होता है। अब जरा दूसरा संभावित खंड देखिए तब N1 का कंसेप्ट क्लियर होगा। दूसरा संभावित खंड ये है कि ये हमारा इस तरह से भी टूट सकता है,
वन टू थ्री फोर सिक्स और सेवन, यानी यहां से टूटा और ये फिर यहां से ये टूट गया और यहां से यूं टूट गया, इसके बाद फिर ये सीधा टूट गया। अगर ऐसा टूटता है तो हमारा जो मार्ग आया है ये सीधा आ रहा था, सीधे की जगह इसमें ये तिरछा हो गया और ये तिरछा हो गया, दो तिरछी रेखाएं इसमें सम्मिलित हो गई। तो जो तिरछी दो तिरछी रेखाएं सम्मिलित हुई हैं, इन रेखाओं की संख्या को ही हम एन वन कहते हैं। तो हमारे दूसरे केस में एन वन का मान कितना हो गया, दो हो गया। नंबर ऑफ रिविट टोटल कितने हो गए, अब देखिए इस रास्ते में नंबर ऑफ रिविट कितने आ गए, एक दो तीन फिर ये चार, तो इस तरह से चार रिविट हमारे, तो एन की वैल्यू चार हो गई, एन वन की वैल्यू दो हो गई। और इसके बाद तीसरा संभावित खंड क्या है, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स और सेवन, ये हमारा तीसरा संभावित खंड है। तीसरे संभावित खंड में देखिए टोटल नंबर ऑफ रिविट कितने हो गए, एक दो तीन चार पांच, पांच रिविट हो गए, तो एन की वैल्यू पांच हो गई। ये नंबर ऑफ रिविट होता है एन, और एन वन जो है नंबर ऑफ इंक्लाइंड लाइन होता है, नंबर ऑफ इंक्लाइंड लाइन यानी तिरछी रेखाओं की संख्या। तो हमारे इस मार्ग में चूंकि हमने ये लिया है मार्ग, तो एक तिरछी रेखा ये है, दूसरी ये है, तीसरी ये है, चौथी ये है, तो ये चार तिरछी रेखाएं सम्मिलित हैं, इसलिए एन वन की वैल्यू जो है इसमें चार ली जाएगी। तो ये तो हमने एन और एन वन के मान हो गए। अब इसमें देखिए ये पीएस क्या होता है, पीएस का मतलब स्टैगर्ड पिच है, यहां पर सिंबल का मतलब। इसी फिगर में देखिए प्रतिबल की दिशा में ये जो दो रिविट लगे हैं इनके या वोल्ट लगे हैं, इन दोनों के बीच की जो दूरी है ये पिच कहलाती है। स्टैगर्ड पिच की जो डेफिनेशन है, इन दोनों रिविटों के बीच में अगली वाली पंक्ति का रिविट बीचों बीच लगा है, तो ये तिरछी दिशा में जो ये डायगोनल डायरेक्शन में ये रिविट है, इस रिविट और इस रिविट के बीच से हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कितनी है, यानी इसके सेंटर से हम ऊपर लाइन खींचते और इसके सेंटर से ऊपर लाइन के, इन दोनों के बीच में जो अंतर है इसी को हम स्टैगर्ड पिच कहते हैं। अब देखिए ये हमारी पिच है इनके इनके सेंटर से तक की दूरी, इसके सेंटर से इसके सेंटर तक की दूरी को भी तो हम पिच ही कहेंगे, तो ये भी पिच हो गई, और ये इसके यहां से लेकर यहां तक की दूरी, इसके सेंटर से यहां तक की दूरी, ये इसी पिच का हाफ हो जाएगी। तो इस केस में पीएस की वैल्यू जो है स्टैगर्ड पिच कैसे निकाली जाएगी, पिच का आधा कर देंगे, तो पिच का आधा करके जो है ये स्टैगर्ड पिच ज्ञात कर ली जाती है। तो ये स्टैगर्ड पिच का तो यहां से ज्ञात हो गया। अब ये जी गेज डिस्टेंस होती है, जरा गेज डिस्टेंस देखें, इस ज्वाइंट में प्रतिबल की दिशा में जो रिविट पंक्तियां हैं, एक तो ये है, दूसरी रिविट पंक्ति ये है, तीसरी ये है, चौथी ये है, पांचवी ये है, तो इस तरह से पांच रिविट पंक्तियां हैं। पहली पंक्ति और दूसरी पंक्ति के बीच की जो दूरी है ये स्मॉल जी से रिप्रेजेंट की जाती है, इसी को गेज दूरी कहते हैं। इसके बीच की दूरी भी ये गेज दूरी है, ये भी गेज दूरी है, ये भी गेज दूरी है, तो ये गेज डिस्टेंस है दो रिविट रेखाओं के बीच की दूरी, वो भी रिविट रेखाएं किस दिशा में हो, प्रतिबल की दिशा में हो। तो ये गेज दूरी जो है ये जी है, ये हमारा कितना रखा गया है ये आप कैलकुलेट कर सकते हैं। हाँ, यहां पर जितनी पिच रखी गई है इनके बीच की दूरी भी पिच के बराबर रख सकते हैं, लेकिन ऐसा आवश्यक नहीं होता है, जरूरत पड़ने पर हम इसका मान बढ़ा सकते हैं, इसका मान कम रख सकते हैं। तो जो भी रखा गया हो, जो भी तय किया गया हो, उसी के अनुसार इसका हाफ जो है ये हमारा गेज दूरी के बराबर होगा, क्योंकि इसके और इसके बीच की दूरी इन दोनों के बीच का हाफ हो जाएगी। तो इस तरह से गेज दूरी हम यहां से ज्ञात कर लेते हैं फिगर के द्वारा। अब हम इस फार्मूले में ये वैल्यू रख करके जो है, अब टी यहां पर प्लेट की मोटाई होती है, इस तरह से एरिया ऑफ नेट एरिया जो है इस प्लेट का हम ज्ञात करते हैं। अब इसके बाद होता क्या है, ये संभावित तीन खंड है, तीनों खंडों पर हम नेट एरिया की गणना करते हैं। मान लीजिए यहां का नेट एरिया ए वन आया, यहां का नेट एरिया ए टू आया, यहां का नेट एरिया ए थ्री आया, इन तीनों में जो लिस्ट हो वही हमारा ए एन कहलाता है। तो एन क्या है, इन तीनों में जो सबसे कम हो वही हमारा लिस्ट कहलाएगा, यानी ए एन जो कहलाएगा। इस फार्मूले में जो ए एन की गणना हम कर रहे हैं ये तो हमारे संभावित तीन खंड है, जो सब इनमें से सबसे कम वाले को ही हम ए एन कहते हैं। तो इस तरीके से ये ए एन की गणना की जाती है। ए एन की गणना के बाद अब आइए रॉड एंड बोल्ट के केस में कौन सा फार्मूला लगेगा।
रॉड एंड बोल्ट के केस में जो फार्मूला लगेगा ये हमारा ऊपर वाला ही फार्मूला है, जो प्लेट में है फार्मूला सेम टू सेम वही फार्मूला लिख लिया गया, 0.9 इंटू एन इंटू एफ यू बटे गामा एम एल। और लेकिन इसमें जो एन होता है, एन बराबर जो है ये बोल्ट का या जहां पर चूड़ी कटी होती है वहां का नेट एरिया होता है, और ये नेट एरिया आप बोल्ट ज्वाइंट में आप निकाल चुके हैं, 0.78 से गुणा कर दीजिए सैंक एरिया में, तो सैंक एरिया निकाल लीजिए पाई बाई 4 डी स्क्वायर और उसमें 0.78 से गुणा कर देंगे, तो ये हमारा जहां पर थ्रेड बनी है तो थ्रेड के स्थान पर उसकी रूट का एरिया अर्थात नेट एरिया जो है ऑफ द बोल्ट ज्ञात हो जाता है, तो ये नेट एरिया ऑफ द बोल्ट है। इस फार्मूले को हम पहले से जानते हैं। तो अब आइए तीसरा केस, फॉर सिंगल एंगल। एंगल के केस में देखिए, यहां पर एंगल जो है अगर हमारा बोल्ट से कनेक्टेड है तो ये बोल्ट से कनेक्टेड दिखाई गई है, एक भुजा ये बाहर है, आउटस्टैंडिंग साइड है। इसमें जो हमारी बाहरी भुजा होती है, आउटर साइड जो होती है, आउटर लेग जो होती है, उसकी जो लंबाई को स्मॉल डब्ल्यू से रिप्रेजेंट किया गया है बोर्ड में, और इस एज से रिबिट के सेंटर तक की जो दूरी है इसको डब्ल्यू आई से रिप्रेजेंट किया गया है, और ये डब्ल्यू आई से रिप्रेजेंट किया गया है। तो अब जो है इसके लिए आउटर लेग की इफेक्टिव लंबाई, क्योंकि बोल्ट के बाद हमारा सब फ्री है, कहीं कनेक्टेड नहीं है इसका, तो इस बोल्ट के सेंटर से यहां तक की कुल जो दूरी है वो हमको निकालनी होती है, क्योंकि यहां बीच की ये दूरी हमारी कॉमन दो बार शामिल हो गई है, इसलिए बी एस बराबर जो फार्मूला है वो डब्ल्यू प्लस डब्ल्यू आई माइनस टी के बराबर होता है। बी एस बराबर डब्ल्यू यानी ये दूरी प्लस ये दूरी यहां से यहां तक की और माइनस टी, ये इससे ये बी एस निकाला जाता है, तो ये हमारी इफेक्टिव आउटसाइड लेग की डिस्टेंस हो गई। अगर ये यहां पर बोल्ट वो बेल्ट लगाया गया हो, यहां पर बेल्ट किया गया हो, यहां बेल्ट किया गया हो, तब बी एस बराबर जो है आउटर लेग केवल ये लंबाई ही ली जाएगी, उस केस में यहां से कोई फिर मतलब नहीं, क्योंकि यहां पर फ्री नहीं है, ये तो यहां जुड़ चुका है, तो ये हमारी आउटर लेग केवल इतनी ही मानी जाएगी, तो बी एस बराबर इस केस में डब्ल्यू होता है। तो ये तो बी एस ज्ञात करने का तरीका हो गया। अब ये रहा डब्ल्यू आई, ये हमारा बोल्ट यहां से कितनी दूरी पर होता है, इसको कैसे ज्ञात करेंगे? इसको ज्ञात करने के लिए स्टील टेबल में एक तालिका दी रहती है, उस तालिका का जो हेडिंग है वो है रिबिट गेज डिस्टेंसेस इन लेग्स ऑफ एंगल्स, इसी नाम से टेबल जो है दी गई होगी, आप लोग उसमें देखेंगे तो आपको मिल जाएगी। हम बता दें यहां पर एक ये एंगल दर्शाया हुआ है, अनइक्वल एंगल है, एक लंबी भुजा है, एक छोटी भुजा है, इसमें एक रिबिट या बोल्ट लगाया गया है, इसमें दो बोल्ट लगाए गए हैं, लंबी भुजा में दो लगते हैं, छोटी भुजा में एक ही लगाया जाता है, और इसके लिए भी रूल ये है कि 100 mm से 100 mm या उससे बड़ी भुजा होगी तभी दो रिबिट लगाए जाते हैं, दो बोल्ट लगाए जाते हैं, और इससे छोटी भुजा है तो उसमें एक ही बोल्ट लगाया जाता है। तो यहां पर क्योंकि हमारे जो क्वेश्चन था उसमें केवल एक बोल्ट लगाया गया था, तो बोल्ट के सेंटर से हम इस ये दूरी हमें नोट करनी होगी तालिका से, बोल्ट के सेंटर से इस किनारे तक की दूरी ये यहां जो है इस टेबल में स्मॉल सी से रिप्रेजेंट की गई है, तो ये दूरी स्मॉल सी है। अब देखिए टेबल, जो हमारी टेबल होती है स्टील टेबल में, वो इस तरह से लिखा हुआ है रिबिट गेज डिस्टेंसेज इन लेग्स ऑफ एंगल, और इसमें यहां पर जो रिबिट जो हमारा एंगल है उसकी लेग का साइज यहां पर लिखा हुआ है 200 mm, 150 mm, 130 mm, 125, 115, 110, 100, 95, 90, 80, 75, यानी घटके 20 mm तक, यानी जितने साइज के हमारे एंगल होते हैं उन वो सारे साइज इसमें दिए हुए हैं। इसके बाद जो है इसमें सी का मान इस कॉलम में दिया है एक बोल्ट के लिए, जब हमारे दो बोल्ट लगाए जाते हैं वो भी केस समझ लो कहीं जरूरत पड़ जाए, अगर हम यानी इसके सेंटर की इस किनारे से दूरी को स्मॉल ए से रिप्रेजेंट करते हैं और इसके सेंटर से इस रिबिट के सेंटर तक की दूरी को स्मॉल बी से रिप्रेजेंट करते हैं, तो ये ए बी हो गए और ये दूरी सी है, तो यहां पर हमको सी की आवश्यकता है, तो सी के लिए यहां पर देख लें
सी की वैल्यू यहां से देखी जाए। अब भुजा की जो भी लंबाई हो वो जब हम न्यूमेरिकल करेंगे तब हमको पता चलेगा कि भुजा की लंबाई कितनी है। वो भुजा की लंबाई 100 से कम होने पर ही सी ज्ञात होगा। भुजा की लंबाई 100 से ज्यादा है तब हम दो रिबिट लगाएंगे। हाँ, एक काम ये भी कर सकते हैं कि जब भुजा की लंबाई 100 से ज्यादा हो तब हम दो रिबिट लगा सकते हैं, परंतु अगर हम चाहें तो दो रिबिट न लगाएं, केवल एक ही रिबिट लगाएं। और अगर एक रिबिट लगाते हैं तब हमको ये सी नोट करना होगा। और लेकिन 100 से बड़ी भुजा में हम एक के स्थान पर दो रिबिट भी प्रयोग कर सकते हैं। उस केस में ए और बी यहां से नोट किए जाते हैं कि ए कितना है और बी कितना है, तो सी हमको यहां से नोट कर लेना पड़ता है। यही सी हमारा उस चित्र के अनुसार डब्ल्यू आई के बराबर है, क्योंकि इसमें क्या होता है, रिबिट के बोल्ट के सेंटर से इस किनारे तक की दूरी को ही सी लिखा गया था। यहां पर इसके लिए कोड में इसका सिंबल डब्ल्यू आई दिया हुआ है, तो ये डब्ल्यू आई जो है इसी तालिका से नोट किया जाता है। बस यही केवल यहां बताना था कि ये ज्ञात कैसे किया जाता है। कोई क्वेश्चन आ जाएगा न्यूमेरिकल तब आपको ये खुद ही ज्ञात करना होगा, क्वेश्चन में ये वैल्यू दी नहीं जाती है। तो अब ये हमारा बीएस ज्ञात करने का ये दोनों फार्मूले हो गए। अब देखिए सिंगल एंगल हम क्या करते हैं। इफ वन लेग इज कनेक्टेड, इसकी एक टांग अगर जुड़ी है, सियर लैग अफेक्ट द स्ट्रेंथ, तो सियर लैग के कारण इसकी स्ट्रेंथ में जो है अंतर आता है। अब ये सियर लैग एक शब्द है, इसमें सियर लैग एक्चुअली क्या होता है कि एक लाइन में जब हमारे कई रिबिट लगे होते हैं, आप चाहें तो यहां पर फिगर देख सकते हैं, एक सीधी रेखा में कई रिबिट लगे हैं, इधर से बल लगाया जा रहा है, तो ये बल जो है सबसे पहले इस रिबिट पर ज्यादा आता है, इसके बाद इस रिबिट पर बल कुछ कम आएगा, इस रिबिट पर बल कुछ और कम आएगा, इस रिबिट पर और बल कम। तो सियर फोर्स का डिस्ट्रीब्यूशन सभी एंगल्स में समान नहीं होता है, इसीलिए सियर इसी को जो है सियर लैग के नाम से जानते हैं। इसके कारण इसकी सामर्थ्य, क्योंकि हम तो ये मान लेते हैं कि सभी बोल्ट में जो है सियर स्ट्रेंथ समान रूप से वितरित हुई है, लेकिन ऐसा होता नहीं, तो सियर लैग के कारण जो है इसकी सामर्थ्य प्रभावित हो जाती है, इसीलिए यह फार्मूला यहां पर बनाया गया है। अब ये फार्मूला जो लिखा है TDN बराबर एंगल की सामर्थ्य के लिए अलग से लिखा गया है 0.9 इंटू ANC इंटू FU बटे गामा ML। ये आप देखें कि ANC क्या है, कनेक्टेड लेग का एरिया है, जो जुड़ी हुई टांग है इसका क्षेत्रफल है ANC। तो जुड़ी हुई टांग में की जो कौन सी स्ट्रेंथ निकाली, इन्होंने रप्चर स्ट्रेंथ निकाली है, FU अल्टीमेट स्ट्रेंथ रखा है, इसका मतलब रप्चर स्ट्रेंथ है। तो इसकी रप्चर स्ट्रेंथ निकाली है जुड़ी हुई टांग की, और जो आउटर लेग रखी है आउटर लेग का AGO इंटू FY बटे गामा MO है, तो इसकी यील्ड स्ट्रेस रखी है। लेकिन इसकी यील्ड स्ट्रेस में सियर लेग के कारण चूंकि इसमें उसको प्रभावित करता है, तो एक फैक्टर बीटा का मल्टीप्लाई करना पड़ता है, तो फार्मूले में इसीलिए सियर लेग के कारण ही इस बीटा को मल्टीप्लाई किया गया है। तो ये फार्मूला हो गया बीटा इंटू AGO यानी ग्रॉस एरिया इंटू FY बटे गामा MO। अब इस फार्मूले में कोड में ये फार्मूला दिया हुआ है कि जहां पर बीटा की वैल्यू क्या है, 1.4 माइनस 0.076 ब्रैकेट में W बटे T। अब देखिए W ये है और T इसकी मोटाई है, इसका अनुपात है, तो ये W बटे T पहला पद हो गया, दूसरा FY बटे FU ये तो जानते ही हैं, और BS बटे LC। और BS वही अभी जो कैलकुलेट किया था, इस केस में W प्लस WI माइनस T के बराबर होगा, और इस केस में केवल W के बराबर होगा BS। तो BS की गणना हम पहले कर लेंगे, और उसके बाद इसमें LC की गणना ये भी हमको पहले करनी होगी। तो LC की गणना जो है हम यहां पर कर लेते हैं। अब LC की गणना कैसे करेंगे, LC हमारा एक्चुअली क्या होता है, जैसे हमारा ये जॉइंट है एंगल का, जब एंगल का ये जॉइंट है तो ये रिबिट और इस रिबिट के बीच की जो ये दूरी होती है यहां से लेकर यहां तक, इसी को LC बोलते हैं, लेंथ ऑफ जॉइंट कहते हैं। ये लेंथ ऑफ जॉइंट होता है इस रिबिट के सेंटर से इस रिबिट के सेंटर तक के, यानी दोनों सिरे के रिबिट हैं या बोल्ट हैं, इनके सेंटर की सेंटर तक की दूरी, यही हमारी लेंथ ऑफ जॉइंट कहलाता है LC। तो इस LC की गणना हम कर लेते हैं। इसकी गणना कर लेने के बाद ही हम इस फार्मूले में LC का मान रख देते हैं, BS का यहां से कैलकुलेट कर लिया,
इसके द्वारा हमको ये बीटा की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। बीटा के बाद कोड में ही डायरेक्ट दिया है कि इस बीटा का मान जो यहाँ से निकल के आएगा ये एफ यू बटे एफ वाई और गामा एम ओ बटे गामा एम एल, यानी इस संख्या को हम सॉल्व करेंगे, इसका मान से जो है इसका मान कम होना चाहिए या बराबर होना चाहिए तथा 0.7 से अधिक होना चाहिए अथवा बराबर होना चाहिए। तो इसका मान इससे कम इससे अधिक होना चाहिए, ये जांच हम बाद में कर लेते हैं। साथ ही साथ इसको भी सॉल्व कर देते हैं और देख लेते हैं कि ये वाला मान इन दोनों के बीच में है कि नहीं। नोट फॉर, इसके बाद क्या दिया है कोड में, एक स्टेप आउट दिया है फॉर प्रिलिमिनरी साइजिंग, यानी प्रारंभिक रूप से इसका आकार तय करने के लिए डिजाइन के समय हम इसका प्रयोग कर सकते हैं। टीडीएन में भी टेकन, टीडीएन की गणना हम इस फार्मूले से भी कर सकते हैं, केवल एंगल के केस में ही ये लागू हो रहा है। टीडीएन में भी कैलकुलेटेड बाय द फार्मूला अल्फा इंटू ए एन इंटू एफ यू बटे गामा एम एल। ए एन इंटू एफ यू ये तो हमारी फ्रैक्चर स्ट्रेंथ है और इसमें सारे कॉन्स्टेंट अल्फा में ही सम्मिलित कर दिए हैं, 0.9 भी इसी में ले लिया है। तो ये अल्फा एक गुणांक मान लिया है, जहां पर अल्फा का मान अगर इस एंगल में एक या दो बोल्ट लगे हो तब अल्फा का मान 0.6 लिया जाता है, जब इसमें तीन बोल्ट लगे हो तो अल्फा का मान 0.7 लिया जाता है, और जब इसमें बोल्ट की संख्या चार या उससे अधिक हो तो फिर अल्फा की वैल्यू 0.8 ली जाती है। तो ये नंबर ऑफ बोल्ट के हिसाब से अल्फा के भिन्न भिन्न मान यहाँ पर तय कर दिए गए और उसी आधार पर हम टीडीएन की गणना कर सकते हैं। हम इतने बड़े फार्मूले को अवॉइड करके डायरेक्ट यहाँ से स्ट्रेंथ निकाल सकते हैं। तो ये हमारी दूसरी सामर्थ हो गई, रप्चर स्ट्रेंथ हो गई। अब इसके बाद तीसरी स्ट्रेंथ बचती है और वो तीसरी स्ट्रेंथ है डिजाइन स्ट्रेंथ ड्यू टू ब्लॉक शियर। तो डिजाइन स्ट्रेंथ ड्यू टू ब्लॉक शियर इसको टीडीबी से रिप्रेजेंट करते हैं। अब इसमें देखिए फॉर प्लेट्स एंड एंगल्स, ये फॉर प्लेट्स और एंगल्स अगर बोल्ट कनेक्शन किया गया है, इट इज द मिनिमम ऑफ द फॉलोइंग। इसमें दो फार्मूले कोड में दिए हुए हैं, कोड में दो फार्मूले टीडीबी के ही नाम से दिए हुए हैं, टीडीबी बराबर इतना और टीडीबी बराबर इतना। हमने थोड़ा सुविधा के लिए एक फार्मूले को टीडीबी वन लिख दिया है और दूसरे फार्मूले को टीडीबी टू डाल दिया है, ये हमने ऐड कर दिया है। कोड में ऐसा नहीं लिखा है, कोड में केवल टीडीबी लिखा है। ये हमने दो चूंकि अलग अलग फार्मूले थे इसलिए दोनों को हमने अलग अलग नाम अलग अलग सिंबल से करने के लिए इसमें वन और इसमें टू लिख दिया है। बाकी जरा देखिए जो ये कोड के फार्मूले हैं ये रिप्रेजेंट क्या कर रहे हैं। एबीजी इंटू एफ वाई बटे अंडर रूट थ्री गामा एमओ, ये है यील्ड इन शियर। अब जरा इससे पहले हम इसको समझें, पहले ब्लॉक शियर का मतलब समझ लें। ब्लॉक शियर का मतलब पहले तो प्लेट के केस में समझ लीजिए, ये मान लीजिए हमारे लेफ्ट ज्वाइंट प्लेट का दर्शाया हुआ है, दोनों प्लेटों को बाहर से खींचा जा रहा है, ये छह बोल्ट लगे हुए हैं, छह बोल्ट के कारण इस प्लेट, ये प्लेट अगर यहां से जैसे ये यहां से यहां टूट जाए, यहां से यहां टूट जाए और यहां से यहां टूट जाए, तो ये टूटा हुआ हिस्सा अलग हो जाए और बाकी ये प्लेट निकल के बाहर चली जाए। अब देखिए जब प्लेट यहां से निकल के बाहर चली जाएगी तो ये कैसे कैसे हमको दिखाई देगी, जो नीचे वाली प्लेट है उसके ऊपर ऊपर वाली प्लेट का इतना टुकड़ा इन बोल्ट के बीच में ही फंसा रह जाएगा, क्योंकि ये बोल्ट हमारे नीचे वाली प्लेट के साथ जुड़े हुए हैं, तो बोल्ट के बीच में ही ये प्लेट का टूटा हुआ टुकड़ा जो है, यानी इस प्लेट का जो ये यहां का से निकला हुआ हिस्सा वो इसी प्लेट के ऊपर शेष रह जाएगा और बाकी यहां से ये पूरी प्लेट निकल के बाहर हो जाएगी। तो इस तरह से हमारा जोड़ फेल होगा और ये हमारा ब्लॉक शियर में फेल होना कहलाता है। तो ये प्लेट का ब्लॉक शियर में फेल होना हुआ। एंगल हमारा कैसे ब्लॉक शियर में फेल होता है, एंगल में मान लीजिए एक लाइन में ये रिवेट लगे हैं कुछ, तो यहां पर ये यहां से टूटेगा और ये यहां से टूट जाएगा। तो इस तरीके से जब टूटेगा तो देखिए एंगल का ये टूटा हुआ हिस्सा इसी गसेट प्लेट के साथ जो है जुड़ा रह गया, और बाकी अब यहां से जुड़ा रह जाए या ये भी अलग होकर के गिर जाए, फिलहाल इस एंगल से टूट के अलग हो गया है, और एंगल से जो टूटा हुआ हिस्सा है वो इस तरीके से हमारा अलग होकर के बाहर चला जाएगा और ये रिवेट हमारे जुड़े रहेंगे। तो ये इस तरह से जब कोई चीज एंगल टूटता है तो ये ब्लॉक शियर में इसका फेल होना कहलाता है। अब जरा देखिए ब्लॉक शियर में फेल होते समय घटनाएं क्या क्या घटती हैं। ये फोर्स की डायरेक्शन ये है
और ये प्लेन प्लेन जो है हमारा यहाँ पर फेल हो रहा है, तो इसका मतलब इस प्लेन के स्पर्शी दिशा में या टेंजेंशियल डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है, इसलिए इस प्लेन पर सियर होता है, ये सियर में फेल होगा। और इस प्लेन के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है तो यहाँ हमेशा रप्चर होगा। तो ये सियर फेल हो रहा है, ये रप्चर में फेल हो रहा है। तो ये सियर प्लेन है, ये हमारा टेंशन प्लेन है, ये टेंशन प्लेन कहलाता है, ये सियर प्लेन कहलाता है। तो यहां पर जो ये फार्मूला लिखा है यील्ड इन सियर, यानी सियर में यील्ड हो जाए, यहां समझ रहे, यहां तो यील्डिंग कंसीडर की गई है और इसमें रप्चर कर लिया गया, रप्चर इन टेंशन, रप्चर इन टेंशन और सियर इन ये यील्ड इन सियर। दूसरा फार्मूला क्या है, रप्चर इन सियर और यील्ड इन टेंशन, रप्चर इन सियर और यील्ड इन, जस्ट इसका उल्टा, पहले जो इसका लिया गया है यील्डिंग इसमें ली गई है और रप्चर इसमें लिया गया, दूसरे केस में क्या लिया गया, यहां रप्चर ले लिया गया और यहां यील्डिंग ले ली गई। तो यही फार्मूले चेंज हो गए। अब इन फार्मूलों में थोड़ा सा अगर हमारे पास कोड है तो हम कोड से डायरेक्ट उतार लेते हैं, और नहीं भी याद है तो आप देखिए कि यहां पर सियर में चाहे यील्ड में फेल हो चाहे रप्चर में फेल हो, सियर वाले सभी फार्मूलों में अंडर रूट तीन तो नीचे आएगा ही, और सियर वाले फार्मूलों में जो एरिया होगा वो इसी प्लेन का एरिया रहेगा। अब सियर में यील्ड अगर हो रहा है तो वाई बटे गामा एम होता है, ये सभी जानते हैं, और अगर इसमें रप्चर में फेल हो रहा है तो एफ यू बटे गामा एम एल होता है, और रप्चर वाले में 0.9 का मल्टीप्लीकेशन हमेशा होता है, जैसे क्रिटिकल सेक्शन पर 0.9 का मल्टीप्लाई हुआ था तो यहां पर भी होगा। तो इस तरह से सियर का ये भी है, सियर यील्ड इन सियर है, ये रप्चर इन सियर है, इसलिए सियर के साथ ही अंडर रूट थ्री नीचे जरूर होगा। और इसमें क्या है, रप्चर इन टेंशन है, तो रप्चर इन टेंशन है तो इसमें 0.9 आएगा ही, ये टेंशन का एरिया है, एफ यू बटे गामा एम एल है, और ये यील्ड है तो यील्ड में खाली एरिया रहेगा और एफ वाई बटे, यानी आप डायरेक्ट कोड से देख सकते हैं या कुछ क्वेश्चन करने के बाद ये फार्मूले आपको याद भी हो जाएंगे, ये मैटर नहीं है। हमने यहां पर कंसेप्ट इसलिए ये समझाया कि यहां पर एक्चुअली ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ये सियर में यील्डिंग को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये सियर में ये टेंशन में रप्चर को रिप्रेजेंट कर रहा है ये पद, और ये पद जो है सियर में रप्चर को रिप्रेजेंट कर रहा है और ये टेंशन में यील्ड को रिप्रेजेंट कर रहा है। इस तरह से इस फार्मूले में जो ये हमारा एबीजी और एबीएन ये पद आए हैं, और इधर एटीजी और एटीएन इनका मतलब समझ लीजिए, ये सियर प्लेन है, सियर के लिए वी सब सिंबल यूज किया गया है, तो वी का मतलब सियर और जी का मतलब ग्रॉस और एन का मतलब नेट, तो ये क्या हो गया, ग्रॉस एरिया इन सियर प्लेन, ग्रॉस एरिया ऑफ सियर प्लेन, ये है नेट एरिया ऑफ सियर प्लेन, इसका मतलब नेट एरिया ऑफ सियर प्लेन, ग्रॉस एरिया ऑफ सियर प्लेन। इसी तरीके से ग्रॉस एरिया ऑफ टेंशन प्लेन, ये टी फॉर टेंशन और नेट एरिया ऑफ टेंशन प्लेन, ये इनके शाब्दिक अर्थ हो गए। अब इनका वैल्यू समझें, ग्रॉस एरिया ऑफ सियर प्लेन मतलब सियर प्लेन यहां से यहां तक टूटता है, इस बोल्ट के सेंटर से प्लेट के इस किनारे तक की कुल दूरी में अगर हम मोटाई का गुणा कर दें तो ये ग्रॉस एरिया निकल जाएगा। इसके इस सेंटर से इसके इस सेंटर तक पूरी दूरी में प्लेट की मोटाई का हम गुणा करते हैं तो इसका टेंशन वाले का ग्रॉस एरिया ये एटीजी निकल जाएगा। ये तो दोनों ग्रॉस एरिया हो गए। अब दोनों जगह के नेट एरिया कैसे ज्ञात किए जाते हैं, नेट एरिया ज्ञात करने के लिए हमको यहां से यहां इसके सेंटर से लेकर के इस किनारे तक जो हमारे बोल्ट लगे हैं उनके डाया हमको घटाने होंगे, तो एक डाया यहां से कम करेंगे, एक डाया यहां से कम करेंगे, और ये हमारी लंबाई हमने कहां से नापी थी, इस बोल्ट के सेंटर से नापी है, तो इसके सेंटर से इधर कितना डाया है रिबिट बोल्ट का, केवल हाफ डाया, क्योंकि दूरी हमारी सेंटर तक की है तो सेंटर से इस किनारे तक केवल हाफ डाया हुआ, तो टोटल यहां कितने डाया हो गए, 2.5 डाया हो गए। तो ये जो टोटल लंबाई आपने पीछे कैलकुलेट की थी तो टोटल लंबाई में से 2.5 डाया जो है और माइनस कर देंगे तो ये बची हुई चौड़ाई लंबाई ज्ञात हो जाएगी, और उसमें हम मोटाई का प्लेट का गुणा कर देंगे तो ये हमारा नेट एरिया ऑफ नेट सियर एरिया ज्ञात हो जाएगा। यही काम यहां कर देते हैं, यहां पर जब हम नेट सियर एरिया निकालेंगे तो क्या करेंगे, इसके सेंटर से
इसके सेंटर तक आधा डाया इधर से आया है, आधा डाया इधर से आया है, तो एक डाया हम कम कर देंगे तो हमारा, और उसमें बाद मोटाई का गुणा कर देंगे तो हमारा नेट एरिया इंटेंशन ज्ञात हो जाता है। तो ये हमारा एबीजी, एबीएन और एटीजी और एटीएन हो गए। ब्लॉक शियर फेल्योर इन वेल्डेड कनेक्शन, इसके बारे में देखिए, यहाँ पर एक ये गसेट प्लेट दर्शाई गई है, गसेट प्लेट के ऊपर एक एंगल ये जो है बेल्ट कनेक्शन के द्वारा जुड़ा हुआ है। बेल्ट इसमें यहाँ से यहाँ तक लगाया गया है, ये बेल्ट लगाया गया है, ये बेल्ट लगाया गया है। जब इसके ऊपर टेंशन फोर्स कार्य करेगा तो अगर इसका फेलोर होता है तो ये इस तरह से दो पार्ट में टूटेगा। यानी यहाँ पर देखिए ये हमारी गसेट प्लेट जो है, गसेट प्लेट का इतना हिस्सा टूट करके बाहर निकल गया है, यानी यहाँ पर इतनी गसेट प्लेट ये हमारी खाली हो गई है। और यहाँ जो एंगल हमारा अलग हुआ है, एंगल का बेल्ट मटेरियल एंगल के साथ जुड़ा हुआ है, इसका ये भी बेल्ट मटेरियल एंगल के साथ है, यहाँ भी एंगल के साथ है। इस बेल्ट मटेरियल के नीचे की साइड में गसेट प्लेट का इतना हिस्सा भी यहाँ पर नीचे को जुड़ा हुआ इसके साथ चला आया है। तो इस तरह से ये दो पार्ट में ब्लॉक शियर फेल्योर वेल्डेड कनेक्शन में पाया जाता है। इसी तरह के संभावित सेक्शन कई हो सकते हैं। तो ये था वेल्डेड कनेक्शन में ब्लॉक शियर कैसे होता है, इसका एक एग्जांपल। अब अगले वीडियो में हम एक न्यूमेरिकल इसी टेंशन मेंबर का आपको एक्सप्लेन करके बताएंगे। यहाँ जिन फार्मूलों का प्रयोग किया गया है, जब एक क्वेश्चन एक न्यूमेरिकल आप समझ लेंगे कि ये कैसे अप्लाई हुआ है, तो फिर ये कंसेप्ट और ज़्यादा अच्छी तरीके से क्लियर हो जाएंगे। यहाँ हमने थ्योरेटिकल कंसेप्ट समझाने का प्रयास किया है आज के टॉपिक में। तो ये टॉपिक यहीं पर पूरा होता है। अगले वीडियो तक के लिए थैंक यू।